नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड कले किचन सीरीज एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर प्रीति सिंघानिया जी, जो है यॉर्वे इंटीरियर की ऑनर है। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और कले किचन सीरीज जो है उसके बारे में पहले हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कले किचन सीरीज क्या है। नमस्ते जी, नामिनी जी। जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एक्जोटिक वेब मीडिया का धन्यवाद मैं करती हूँ दिल से, और सभी जनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक आम लेडीज़ का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया, इसीलिए मेरी हिम्मत हुई है यहाँ पे आने की। मैं यही है ना, लॉकडाउन में जो भी परेशानियों से गुजरी हूँ, वैसे तो किचन अपन है ना सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो भी एहसास किया है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नॉट एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ कॉमन वूमेन, एक नारी, एक माँ, एक सहेली, एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, सबके फर्ज निभाती हुई एक किचन के अंदर, ये कलर किचन, इसीलिए ये सीरीज़ बनाई गई है। ये आप लोग का प्लेटफॉर्म है, इस पर आप लोग का ध्यान होना चाहिए कि हम यंग जनरेशन को कैसे अच्छे से अच्छा अपने हेल्थ के साथ अपन है ना कुछ डिज़ाइन करके, उनके बेनिफिट्स के साथ अपने इंडियन कल्चर को इंक्लूड करके कुछ बनाए अच्छा, इसलिए दिस इज़ द कलर किचन। जी, बहुत ही अच्छा ये हमारा कंसेप्ट है, और काफ़ी इसमें जो एपिसोड्स होते रहेंगे उसमें काफ़ी सारी जो जानकारी है वो प्रीति जी के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और अभी मेरा क्वेश्चन रहेगा प्रीति जी आपको कि किचन क्या है। वॉट इज किचन? किचन क्या है? किचन अपने है ना, वैसे तो अपन रसोई घर बोलते हैं लेकिन आज किचन बोल रहे हैं क्योंकि किट के है ना एक आ गया है। एक जन ने मुझे बहुत अच्छी शायरी भेजी थी रिस्पॉन्स में, किचन किचकिच का घर बन गया है, रसोई घर से रस गायब हो गया है। पहले रस बरसता था यहाँ पे, आज वो रस कहाँ गया है? पहले चहकते थे सब लोग, हम एक साथ चुस्कियाँ लेते थे प्याली की, आज हम एक कॉर्नर में बैठ के बर्तन घस रहे हैं, वॉशिंग कर रही है, लेकिन बाहर खिलखिलाहट हो रही है, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। पहले जैसे कि आजकल जो जो सिस्टम है फॉलोअर्स होते हैं, जैसे कि अपने जिम जाते हैं, अपने हर एक चीज़ें अपने है ना इन्वॉल्व नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि अपने घर की भी एक लिमिटेशन, एक स्पेस लिमिटेशंस होती है। तो हर एक चीज़ के लिए मैं ये कह रही हूँ, एक स्पेस हम लोग को भी दी गई है, लेकिन हमने वो एक स्पेस को भी बहुत तरीके से अपने घर में यूज़ कर लिया है। जैसे अपने कह रहे हैं कि डाइनिंग की तरफ अपने मुड़ गए हैं, अपने ना मुड़ गए हैं, एक डाइनिंग है, यूटिलिटी है, स्टोर है, काफ़ी तरह से अपने डिवाइड कर दिया है। तो किचन एक सीमित जगह पे नहीं रह गया है, किचन अपने पहले जैसे कि है एक बरामदे में चार पांच जने एक साथ बैठ के बनाते थे खाना, तो उसका भी स्वाद अलग ही होता था, वो रोटियों का स्वाद भी अलग ही होता था, क्योंकि बातें करते करते एक दूसरे के घर से भाई यहाँ सब्जी कम हुई तो वहाँ से लेकर आना करना। आज अपने वो चीज़ स्टाइल ही वो ख़त्म हो गई अपनी, क्योंकि आज फ्लैट सिस्टम्स आ गए, वो बरामदे नहीं आते हैं अपने, तो बरामदे भी नहीं रही, वो चुस्कियाँ भी नहीं रही, वो सहेली पर आज है, सब लोग को एक दूसरे से इतना प्रेम भी नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, सब लोग अपनी बिजी लाइफ में जीवन बिता रहे हैं। सही बात है। तो इसीलिए अपने है ना किचन को अपने एक आप कॉन्सेप्ट वाइज नहीं कह सकते, रसोई घर नहीं कह सकोगे क्योंकि आज रस नहीं है, और आप है ना क्या बोलते हैं किचन कह सकोगे क्योंकि आज किट हो गया है। तो जैसे तो किचन है उसके अंदर अपने बोलेंगे जैसे कि एल शेप है, पैरेलल्स है, गली है, देन उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल से अपन वर्किंग होता है। फिर अब जैसे सिंगल लेडीज़ जब रहती है तो वो अपने बच्चे को भी वहीं पे पढ़ाने के लिए बोल देती है, तो अपने को वो भी स्पेस अपन इंक्लूड कर लेते हैं, कोई करता है कोई नहीं करता है, वो एडजस्टमेंट करता है। तो किस तरह से अपने अलग अलग चीज़ें हैं, और वहाँ पर भी अपने किचन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि ऊपर से अपने सामान निकाल रहे हैं, नीचे से अपने सामान निकाल रहे हैं। अपने पहले किचन था इतना छोटा सा कि अपने मसाला रखा, अपने है ना सब्जियाँ रखी, और अपने दाल चावल का एक है ना छोटा सा कबर्ड हो गया, दैट इज़ माई किचन। अब क्या है किचन आप जानते हैं। जी, सही बात है। तो किचन क्या है उनके बारे में प्रीति जी ने बताया। अभी प्रीति जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन, हैज अ हाउस वाइफ, हैज अ बिजनेस वूमन, मैं आपको कहना चाहूँगी, वैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनर तो है ही, तो ज़्यादा आपको पता चलता होगा कि आज की जो रसोई घर की डिज़ाइन है उसमें आप कितनी सहमत है, कितनी खुश है आप?
आजकल के रसोई घर से अपने है ना सहमत तो होती है, अगर है ना मुझे अकेली अगर काम नहीं करना पड़ता तो जी। लेकिन मैं आज अकेली काम करती हूँ तो मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों आप सहमत नहीं है? मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मॉर्निंग में मुझे ही उठना पड़ रहा है। मॉर्निंग में अगर किसी को पानी चाहिए तो मैं ही जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लासेस हो रही है बच्चों लोग की, तो उनको भी कुछ चाहिए तो फिर वो जस्ट वो कॉल कर लेते हैं एक तरह से, हमको हमारे लिए ये डिश लिया ये, हमें यहाँ ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ जो भी है आजकल रूम तक मैं सर्व करती हूँ, तो खड़े खड़े वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बना रही हूँ। अगेन आई एम गोइंग एंड सर्विंग देम, तो मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं लग रहा कि ये किचन मेरे लिए फिट है। अपने यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन दिखाई है आपको, उसके अंदर है ना मैं कह रही हूँ कि ऊपर से अपने सामान कैसे अपन ले रहे हैं वो सब वर्किंग आप देख रहे हो, इसके अंदर फिर अपन कैसे है ना वॉश बेसिन से अपन काम कर रहे हैं, यूटेंसिल्स अपने किस तरह से अपने है ना पोस्चर्स अपने काम कर रहे हैं ऊपर नीचे होते हुए, स्टैंडिंग किचन के सारे पोस्चर्स हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ द वे अपने कम्फर्ट्स कैसे जोन अपने बनाएंगे अपने खुद के लिए, तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट शोइंग योर पिक्चर्स योर वे, तो थैंक यू। जी ये था हमने बताया कि किचन का जो अभी का इंटीरियर डिज़ाइन जो हो रहा है वो आप उनसे कितने सहमत थे कितने खुश है उनके बारे में आपने बताया। तो अभी मेरा ये तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपको कि पहले के ज़माने में जो भी महिलाएं किचन में काम करती थी, हमने सुना नहीं है कि इनको कभी कोई तकलीफ़ हुई है, किसी को कोई भी बीमारी आई है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। पर अभी की जो महिलाएं किचन में काम करती है उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, ज़्यादातर खड़े रह के वो काम नहीं कर सकती है, तो उसके लिए क्या हम उनको बता सकते हैं कि ये पहले के ज़माने की जो महिलाएं थी वो कैसे काम करती थी, कि ताकि अभी की महिलाओं को पता चले कि ऐसे करने से हमें कोई बीमारी नहीं आएगी या हम इजीली अपने किचन में काम कर सकते हैं। ये एकदम सही कहा कि 70-80 बरस के जो भी लेडीज़ हैं वो अपने से फिट है, आज भी वो अपना काम कर रही हैं, आज भी वो अपना वॉक कर रही हैं, और अपने 40-50 ईयर्स में भी अपन सब परेशानियों से दवाइयाँ ले रहे हैं, अपने को बैक पेन्स हैं, सब चीज़ है ना वही चल रही है, अपने केमिकल की तरह से अपने बॉडी को बना चुके हैं, और वो लोग अपने घी तेल जो भी है खा पी के फिट थे, फास्ट फूड को अपन ने इंक्लूड कर दिया, इसलिए अपने बोलते हैं ना हेल्दी किचन, अपना हेल्दी किचन नहीं रहा, पहले के किचन को अपने हेल्दी बोलूँगी, अभी के किचन को फास्ट फूड किचन बोलूँगी, इटालियन मैक्सिकन बोलूँगी। तो 70-80 साल की जो लेडीज़ लोग हैं उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट था, उनको फिर भी काम करने का टाइम मिल जाता था, और वो सारा है ना काम करते जो अपन आज योगा करते हैं वो अपन इंक्लूड कर रखे हैं एक्सरसाइज के तौर पे, वो सब अब लोग काम करते थे, उनको योगा जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी जिम और योगा सब कुछ उनके है ना क्या बोलते घर के काम में इंक्लूड हो जाते थे, वो हैप्पी एनवायरमेंट में रहती थी। तो इसीलिए 70-80 साल की जो लेडीज़ है वो 90 है, अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा था 120 साल की लेडीज़ ने है ना बताया मुझे, मिस हमने पढ़ा यहाँ पे फेसबुक में भी, कि ब्लड वेसल्स वो अपने क्लीन रखती है, उससे मतलब कभी भी दवाई क्या होता है वो ही मैं नहीं जानती। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़ कि अपने कोई भी चीज़ हेल्दी अगर अपन चीज़ खाते हैं तो हेल्थ के रिलेटेड वो चीज़ अच्छी होती है। आज अपने अपने बच्चों लोग को लेकिन फास्ट फूड खाना सिखा दिया है, फास्ट फूड में काफ़ी अंदर तक चले गए हैं, जैसे कि अपने को इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, अपने हेल्थ के लिए अपने रीज़न अपने खुद ही अपने आप को अपने रीज़न बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को रखना चाहते हो, एक दवाई की मशीन या फिर एक हेल्दी एनवायरनमेंट देकर, और हेल्दी एनवायरनमेंट खाली खाने से नहीं अपने आजू बाजू एनवायरनमेंट से भी आते हैं। पहले की औरतें हंसती थी, इतनी बड़ी फैमिली होती थी तब भी है ना कि बोलते लोग हंसते हुए चेहरे दिखते थे, आज मैं बोलती हूँ एक सिंगल सिंगल फैमिली होते हुए भी फिर भी दो पति पत्नी भी रहते हैं उसमें भी आपने हेल्दी नहीं देखा होगा, वो भी झगड़े करते हैं। तो पहले के अगर एनवायरनमेंट अपने देखेंगे तो वो बोलते हैं ना एक शायरी एक बोलती, समझनी है तो ज़िंदगी पीछे देखो, यानी कि अपने बुजुर्गों से सीखो, अपनी संस्कृति सीखो, दिस इज़ इंडिया नॉट ए फॉरेन कंट्री, जीना है तो ज़िंदगी आगे देखो, यानी कि कोई चीज़ मिनिमाइज़ करिए, ज़िंदगी जीने के लिए हर एक चीज़ इंस्टेंट करिए, सब चीज़ ठीक है लेकिन फिर भी एक लाइन बहुत अच्छी है, समझनी है तो ज़िंदगी
पीछे देखो, यानी कि कुछ तरीके जो अपने बड़े बुजुर्गों ने बनाया है दैट इज़ वेरी नाइस। उठना बैठना, उठना बैठना, चक्की पीसना, जाके अपने खापे से है ना कपड़े धोना, और सब चीज़ इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो स्माइल अपनी कहाँ गई। तो दिस इज़ द थिंग, 70-80 ईयर्स आर मोर फिटर देन अस, बिकॉज आज अपन एक दूसरे की है ना, मैं बोल रही हूँ एक औरत पहले मेरे अंदर भी था, मैं तो अपना एग्जाम्पल दूंगी कि मैं किसी और का नहीं जानती हूँ। आज मैं भी किसे ईर्ष्या करती हूँ, ईर्ष्या मीन्स इन द सेंस कि देना जेठानी का आप लोग को रिलेशन तो मालूम ही है, तो कभी किसी की बड़ाई हो गई कि तुमने ऐसे नहीं बनाया वैसे नहीं बनाया, तो कभी हम गुस्सा उसके अंदर प्रिपरेशन में डाल देते हैं जब हम खाना बनाते हैं। तो कहीं पर बहुत अच्छी बात सुनी थी अपने ये मोटिवेशन स्पीकर से भी सुनी थी कि आप जैसा बनाते हो वैसा परोसते हो। आज मैं गुस्सा हुई, गुस्से में खाना बनाया, वही मैंने परोसा सास ससुर को, वो पति को, सबको मैंने वही परोसा, उन्होंने वो खाया, उनका भी कहीं और पे गुस्सा निकला। तो व्हाट यू आर गिविंग, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं आप दे रहे हो, आप एक तरह से उनको भी फ्रस्ट्रेशन की दुनिया दे रहे हो। तो अपने को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, कहीं ना कहीं हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है, और कहीं ना कहीं ये पेन से अपने को रिलीफ करना है। तो दैट इज़ द रीज़न कि वी आर मेकिंग दिस हेल्दी किचन। प्रीति जी, बहुत ही अच्छा आपने क्या कले किचन जो सीरीज़ है उनके बारे में बताया, और हमारा जो आज का क्वेश्चन था किचन क्या है, किचन से आप कितनी आज की जो डिज़ाइंस है रसोई घर की उसके उससे आप कितनी खुश है, और पहले के ज़माने की जो भी महिलाएं थी वो ज़्यादा हेल्दी थी और आज की महिलाएं जो है वो हेल्दी नहीं है, तो उसके बारे में भी आपने बताया। और ऐसे ही हम दूसरे एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।